नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के ग्राम सखनी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां लड़की बियाने आए दूल्हे को दुल्हन को लेकर घर जाना था, किंतु उसकी लाश नदी में मिली। मामला चंगोटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सखरी का है। ग्राम पंडारपानी निवासी युवक देवेंद्र कुमरे ग्राम सखरी निवासी प्रेमलाल इडपाचवे की बेटी के साथ था, विवाह के लिए आया था। सात फेरे लेने के बाद विदाई के दौरान दूल्हा बने देवेंद्र को अचानक दौरा पड़ा, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। परिजनों के द्वारा उसे होश में लाने के लिए पानी पिलाया गया तो उसे होश आया। होश में आने के बाद दूल्हा परिजनों से बोला कि मैं बाथरूम से आता हूँ, मैं नदी की ओर चला गया। काफी देर इंतजार के बाद जब दूल्हा नहीं आया तो परिजनों ने रात भर ढूंढने की कोशिश के बाद पुलिस को अवगत कराया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक दूल्हे के ससुर ने बताया कि खाना खाने के बाद मेरे जमाई देवेंद्र उर्फ छोटू घर से बाहर निकले तो अचानक हाथों को बांधने लगे और दौरे पड़ने लगे। क्या नाम है आपका? आप दुल्हन हो? हाँ। कैसे, क्या मामला हुआ था, ऐसे कुछ जानकारी है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है मेरे को। यहाँ लगन लगी और अंदर जाए थे और खाना वाना हुआ, विदा का समय था और है तो मेरे को अंदर ले जाए तो इधर बेहोश हो गए करके बोलने लगे तो मैं अंदर ही थी। आप अंदर ही थे उस समय? हाँ। फिर कैसे पता चला कि वो वहाँ मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है? तो फिर बोलने लगे सभी लोग कि नहीं है, चले गए, कहाँ चले गए करके। तो ये सोमवार के दिन की बात थी ना? हाँ। तो अभी तक ढूंढते रहे? हाँ, अभी तक तो ढूंढते रहे। फिर आज सुबह पता चला आप लोगों को? हाँ। किसने बताया, कैसे पता चला आपको? अब ये सभी लोग ढूंढने लगे। आप लड़की की क्या लगते हैं भाई? शादी कब थी? 15 तारीख सोमवार को थे। हाँ। तो कैसे, क्या मामला हुआ था ये? ऐसे कहा जी, अपन को पता नहीं, आप लड़की विदाई करते समय अंदर थे जी। अंदर थे अपन, लड़की के इसमें रह गए अपन, उनके विदाई के करना है कहके। अब थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि चले भाग गए हो कहके। जब हम लोग ने बाहर निकल के बाद में फिर आप लोग सब ढूंढने लगे। दो दिन तक क्या आप लोगों ने ढूंढा? हाँ। उसके बाद में फिर अभी आज पता चला आपको कि सौ पता चला? फिर पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया ना? हाँ। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। क्या नाम है आपका? रामलाल। कहाँ के निवासी हैं आप? सकरी के निवासी हैं। क्या मामला हुआ था? ये हुआ, खाना भी ना खाए उनने। कौन, आपने, आपके दवाई साहब ने? अच्छा। खाना भी ना खा करके उनने, मान के चलो बारात विदाई करना है इनका, है बारात विदाई करके फिर बाद में जो भी खाने वाले आएंगे तो खाना खाएंगे।